लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। जदों मेरा मालिक कृपा कर दे फिर आपे लहरां बैरां हो जांदियां ने। अज मेरे निजी तौर पर भी और सारे सिख पंथ वास्ते भी बहुत प्रसन्नता का बड़ा खुशी का दिहाड़ा है। वो महान गुरु घर जो बाला प्रीतम जी के चरण छुआ गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के उत्थे स्थित ये बाला साहब हॉस्पिटल जो तुसी देख रहे जे लंबे समय तो जिहड़ा खंडर हो गया सीगा, तां तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र स्थान पर आ उही हॉस्पिटल आ जिहनूं तुसी खंडर देखदे सी। अज गुरु ने कृपा की आ, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जदों सतगुरु अपनी सेवा दे अंदर देखदा सिख नूं लग्या तो फिर सतगुरु आप सहाई हुंदा। आ देखो इहो ही हॉस्पिटल अज पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम के उत्ते यह हॉस्पिटल शुरू हो गया। मैं तुहानूं दिखाउणा चाह रहा आ हॉस्पिटल की रिसेप्शन है। आ देखो रिसेप्शन गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च गुरु नानक देव पातशाह जी की रहमत सदके पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी ने बहुत वड्डी महान सेवा की। टोकरी चुक के संगतां ने बहुत वड्डा योगदान पाया और इंतजार कर रही सी क्योंकि बाबा जी के मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसनों लैके चिंता रही सी कि कदों हॉस्पिटल चालू होगा। देखो गुरु की किड्डी कृपा हो गई आ, संगत जी आप जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद आ, सेवको सेवा बनिया। ये मेरे मालिक ने आप कृपा की आ, सेवा आप ली आ, तो वड्याई अपने सेवादारा के झोली पाई आ। साड़ी कोई हैसियत नहीं हैगी कि ये जो मेरे वाल देखता है तो जो मैं अपने वाल देखता है मैं कहना देखो मालिक की किड्डी कृपा है कि महाराज ने सेवा भी ली आ और इस तरीके की सेवा ली आ। देखो ये सारा जो तुसी देख रहे जे ये इलैक्ट्रिक चेयरस ने इत्थे जिथे बंदा अपना इलाज कराएगा उत्थे गुरबाणी नाल भी जुड़ेगा। ये देखो ये गुरसिखां दी सेवा है जिहड़ी अज दुनिया च देखी जा रही है। अज जिहड़ा भी इत्थे टीवी चैनल आ रहा मैं जिवें तुहानूं पहलां भी कहा सी कि सारे नैशनल चैनल आ के सिखां दी आरती उतारनगे, उन्हां नूं वधाई देणगे और फिर कहणगे एक वार मजबूर हो जाणगे कहण नूं भी यार जो भी कहो सेवा सिखां नूं ही करनी आउंदी आ। सो अज तुसी ये जो देख रहे जे इस तो बाद ये दूजा ब्लॉक शुरू हो जाता है जिथे ये प्राइवेट रूम्स ने। मैं तुम्हें दिखाना चाहना ये जिहड़ा कोई बीमार आ किसी नूं कोविड का कोई बीमारी आ उन्हां दे वास्ते इस तरह के प्राइवेट रूम्स तैयार किए गए ने। ये कोई एच आई वी का पेशेंट आ उन्हूं उहदा इलाज होना उहदे वास्ते अलग तो आ, कोई हाइपेटाइटिस बी का पेशेंट आ उहदे वास्ते अलग तो आ। ये सारे प्राइवेट रूम्स ने और ये सारे सारे 100-101 बैड का ये देश का ये पहला। देखो गुरु की किड्डी कृपा है। गुरु साहब की किड्डी कृपा है, ये रहमत बख्शिश आ गुरु की। जिन्ना धनवाद करिए गुरु साहब का, जिन्ना धनवाद करिए मेरे मालिक का उन्ना ही थोड़ा है। मेरे वीरों अपन रोज़ बदनाम करते सी खालसा जी, सानू कहिंदे सीगे ये देश द्रोही ने, कुछ शरारती लोग शरारती चैनल आ देख लो, कभी सिख मानवता के खिलाफ काम कर ही नहीं सकता। और मैं तुहानू ये भी दसदा बड़ा फख्र महसूस कर रहा, सारे सारा फ्री आ, इस दे अंदर कोई भी एक भी पैसा जिहड़ा नहीं चार्ज किया जाऊगा, ये सारा कैशलैस काउंटर है। ये कोई काउंटर ही नहीं है जिस पैसा लिया जाए, बिलिंग सेंटर ही नहीं है, बिलिंग का ही नहीं है ये अंदर, आ रिसेप्शन है ये। सो गुरु साहब की कृपा हुई है, बहुत बख्शिश है मेरे मालिक की। अज देखो ये महापुरखों के सदके बाबा जी के सदके ये सारी सिर कृपा हो रही है। सो संगतों जरूर इस वीडियो में शेयर करो जे और लोगों को दसना करो जे
कि सिख की आ, सिख की सोच की आ, किस तरह सिख सेवा करता है और किस तरीके वो मन के अंदर सेवा के प्रति भाव आ। सानू बड़ा दुख सीगा, बड़ा अफसोस से और गुस्सा सीगा जो असी देखते सी टीवी चैनलों पर कि तरह सानू बदनाम किया जा रहा है, साडे दस्तार नू बदनाम किया जा रहा है। मैं बहुत जाके टीवियां ते लड़दा सी पर मैं कदी कदी ये महसूस करता सीगा भी साडा जिहड़ा तक्का हो रहा ना वह जरूरत तो ज़्यादा है। और फिर मैं उदों ही सोचता सी कि जदों गुरु की कृपा होगी जो सेवावां फिर लोग देखणगे ना जिवें कोविड दे अगे नतमस्तक हुंदे सी इन्हां नू नतमस्तक होना पऊगा। अज उह दिहाड़ा आ गया, गुरु ने कृपा कर दित्ती। सो गुरु साहब की कृपा अपने सिखां ते बनी रहे, ये मेरे मालिक का तरस बनिया रहे। असी इस काबल नहीं है, असी तो अपना एक आदमी ने अपना कमरा भी एक छतना हो भी रब के अगे सौवरना अरदास करता है। असी इस काबल किवें हो सकते हैं कि इन्नी वड्डी सेवा कराए साडे तो मालिक, ये दाते की कृपा है। मालिक ने आप मोढ़ा दे के सेवा कराई आ ते वड्याई अपने सेवकां दी झोली पाई आ। उस मैं मालिक का कोटानकोट धनवाद करदा है जिस मालिक दे अगे अरदास कीती सी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के दर के उत्ते भी गुरु साहब जदों 400 साल असी आप जी का दिहाड़ा मनाईए उस तो पहले हॉस्पिटल चालू हो जाए। 2019 च नवंबर अंदर अरदास की, उस तो बाद नाल दी नाल ही कोविड आ जाता है, पूरा 20 दा कोविड च निकल जाता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर अपने सेवकों तरस किया, उन्होंने चिंता बन गई सी, गुरु साहब की चिंता बनी हुई सी कि मैं अपने सेवकों की पत्त किवें रखनी आ, किवें मैं चालू करना है। तो देखो अपना दिमाग, इस करके मैं हमेशा कहना है समर्पित कर दो गुरु के चरणों के अंदर। कोई अपनी बुद्धि दे नाल काम करने की कोशिश ना करो, कोई अपनी चतुराई ते वड्याई ना देखो, बस मालिक दे कोल समर्पित कर दो। हे दाता बस मैं तेरे चरणों समर्पित करता, हुण जो पावे सो तू करावीं। मेरे मालिक ने देखो किड्डी कृपा की है, मैं तुहानूं वधाई दिंदा है। मैनूं उम्मीद आ कि तुहानूं जरूर खुशी होई होगी जो तुसीं देख रहे होगे पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम से पहला ब्लॉक शुरू होया, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम से हॉस्पिटल मैडिकल सेंटर। और तुहानूं मैं दसना चाहुंदा है बहुत जल्दी जिवें पहला ब्लॉक आपां शुरू करता अगले ब्लॉक का काम चलता पिया है, बहुत जल्दी सिखां दा पहला मैडिकल कॉलेज जिहड़ा है इस स्थान पर होगा। असी जदों भी कोई वादा किया उन्हें पूरा करके दिखाया है, बस इंतजार करो थोड़े दिन होर थोड़े महीने होर इस तरह वीडियो पाऊगी और मैडिकल कॉलेज तुहानूं दिखावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी यकीनी तौर पर ये सब देख रहे होंगे और जरूर उन्होंने असीसा थानू मिल रही होनगियां, क्योंकि अज जो कुछ होया है जो मैं सारे वाल देखता है मैं बड़े यकीन ना कह सकता है साढ़े वस का ये चो कुछ भी नहीं सी, साड़ी हैसियत ही नहीं सी। जिन्ना जिड्डा काम होया है वो असी कीड़ी जोगे भी नहीं सी कि असी ये नेड़े भी आ सकते। ये जो महापुरख बाबा हरबंस सिंह जी का अपना आशीर्वाद आ, उन्होंने तरस किया अपने सेवकों पर। और मैं कहना अज उन्होंने खाली साढ़े ते नहीं बल्कि उस एक एक संगत की सुनी आ जिन्हां ने इस हॉस्पिटल वास्ते अपना तिल फुल भेंट किया। बहुत वड्डा बोझ सीगा, बहुत वड्डा बोझ सीगा बाबा जी के मन से भी साढ़े मन से भी, तो कोई भी सेवा जिहड़ा करन वाला सीगा भी एड्डी महान सेवा शुरू हुई पर वो सेवा रुक गई। मैं किसी नूं इहदे वास्ते ब्लेम नहीं करता, मैं किसी नूं माड़ा चंगा भी नहीं कहना चाहता, बस मैं तो यही कहना चाहता है कि समा बर्बाद आ, समा आना सीगा, बाबा जी नूं आदर खड़ा करो, समा आना सीगा ते समय ने आके सेवा लैनी सी, गुरु ने आपे सेवा लैनी सी ते ए सेवा हुण बाबा बचन सिंह जी तो लई, बाबा सतनाम सिंह जी तो, बाबा सुरिंदर सिंह जी तो, बाबा रवि सिंह जी तो, जिन्ना भी महापुरखां ने इहदे च अज सेवा कीती आ मैं जरूर कह सकदा, मैं सारयां दे चेहरे देखदा है बड़े ही खुशी नाल भरे पए ने, क्योंकि सब दे मन च इक चाह है कि संत बाबा हरबंस सिंह जी ने जो सोचा सी वह अज असी छुट पूरा करन च कामयाब होए हां। सो मैं सारी दुनिया भर की संगत नूं बड़ी वधाई दिंदा है ते मैं धन्नवाद करदा सारी संगत दा, उन्हां दे चरणां च अपना सीस नवा के उन्हां दे चरणां दी मिट्टी नूं अपने मस्तक ते ला के कि तुसीं इन्ना तरस किया अपने सेवदारां ते, तुसीं इन्ना तरस किया है और इस सेवा नूं संभव बनाया है। सो जिथे मैं अकाल पुरख का सच्चे पातशाह धन्नवाद करदा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर से की अरदास दे सदके सारा कुछ कामयाब होया है, उत्थे मैं सारी संगत का महापुरखों का सारे साडे स्टाफ का सारे अहुदेदार साहबाना का सारे सेवादार साहबाना का सारे साडे स्टाफ का मैं कोटानकोट धन्नवाद करदा जिन्होंने रात रात खड़े होके, मैनू पता कि रात के 11-11 बजे तक खड़े होके असी इत्थे जो खलोंदे सी
ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾवाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सो मैं बेनती करदा पहला साढ़े विच डॉक्टर वेंकटेश्वर जी नूं मैं तुहानूं सब नूं दसना चाहुंदा है कि यह सारा जज्बा जिहड़ा है यह वेंकटेश्वर जी का है जिन्हां ने सानूं बहुत वड्डा उत्साह दिता और इन्हां ने सानूं कहा कि आप सिरसा जी जो इतनी बड़ी गुरु घर की आप सेवा करते हैं हम उसमें आहुति डालना चाहते हैं हम भी चाहते हैं उसमें हम छोटी सी सेवा कर पाएं आप हमें मौका दें हम इस सारे ऐसे प्रोजेक्ट को ऐसे संभव करेंगे कि दुनिया इसको देखकर चकित रह जाएगी उन्होंने और सारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने इस गुरु साहब के पवित्र स्थान से स्थापित गुरुद्वारा बाला साहब विखे श्री गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल के अंदर जो ये पहला ब्लॉक शुरू किया डॉक्टर वेंकटेश्वर का बहुत बड़ा योगदान आ सो मैं उन्होंने सामने बुला आओ भगत साहब इधर आओ बोले सो नेहा डॉक्टर श्री आइए जी हंस को अंश कुमार जी ये बहुत बड़ा देश दे अंदर बोले सो नेहा श्री का वर्ल्ड वाइड मैं तो ये भी दसना चाहना है कि जो तो मैं निफ्रो कंपनी ना गल की थी हित साहब सिंह साहब और तुसी दो मिनट गल करनी है हित साहब जो मैं निफ्रो कंपनी ना गल की थी उन्होंने मैंने कहा कि जिन्नी मशीना तुसी लगाओगे उन्नी असी लगावांगे फ्री च जिन्नी तुसी लगाओगे उन्नी असी लगावांगे ते जो मैं पंच साहब ना गल की थी इन्हें कहा भी तुसी कोशिश लगाओगे जो लगावांगे असी लगावांगे बोले सो नेहा इन्हें कहा तुसी सौ कह रहे जे सिरसा जी मैनू तुसी दिल्ली च जगह दे चलो मैं हजार लगाऊंगा सौ नहीं हजार लगावांगे आपां इन्ना वड्डा हॉस्पिटल बनावांगे कि देश लोग देखण आया करनगे और कोई इन्हां दा वेस्ट कोई इंटरस्ट नहीं कुछ नहीं कहिंदे जो भी सेवा होगी असीं आप करांगे और गुरु की सेवा साडी खुशकिस्मती है साडी सेवा गुरु ने झोली पाई है मैं इन्हां दे बेटे फरजंद भी नाल ने आओ जी कौशिक जी कितने टाइम लगता है एक मरीज को सर तीन घंटा बोले सो नेहा सर डॉक्टर मनदीप इत्थे आ डॉक्टर मनदीप जी नु अगे ले आओ जरा डॉक्टर मनदीप सी इत्थे आओ जी मनदीप जी तुसी भी आओ बोले सो नेहा मैं फिर एक बार मंच से सब नु बेनती करदा हां कि कृपालता करके मंच से स्थान लैन जिन्हों बुलाया जाए सो मैं सारिआं दा धन्नवाद करदे होए हुण क्योंकि जयदार साहब साढ़े विच ने तख्त श्री पटना साहब तो उस महान स्थान तो जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश स्थान आ उस स्थान तो चल के साढ़े विच आए ने बस मैं क्योंकि मैं हुण बोलना नहीं बस मैं विच विच अपनी गल नाल कर देनी आ बस मैं एक बेनती करना चाहना है हित साहब सिंह साहब मैं सारे साढ़े मैंबर साहिबान सरदार के पी जी साढ़े जॉइंट सैकटरी साहब हरमीत सिंह कालका जी साढ़े जनरल सकत्र साहब बीबी रणजीत कौर जी साढ़े सीनियर वाइस प्रेजिडेंट सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी वाइस प्रेजिडेंट और सारी साड़ी टीम अज इत साहब क्या गया कि चार बजे आके इत्थे प्रदर्शन करना है और जो प्लेट लगी है बाबा जी की उहदा काला रंग मारना है बस मैं हाथ जोड़ के यही बेनती करना चाहना है जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है सरदार परमजीत सिंह सरना जी की पार्टी सरदार हरविंदर सिंह सरना जी की पार्टी कि असी इत्थे काला रंग मारना है तुसी जो मर्जी करो पर गुरु दे घर दे अंदर और जिथे पंथ रतन बाबा बचन सिंह जी का नाम लिखा होवे सेवा दे पुंज बाबा हरबंस सिंह जी का नाम लिखा होवे इन्ना पाप ना करियो जे असी रोकांगे नहीं क्योंकि असी झगड़िया च नहीं पैना भाई जे तुहाडा फिर भी मन करदा होवे कर लियो जे पर सानू दुख बड़ा होगा जेकर तुसी ऐ करोगे तो सानू और संगत नू तकलीफ बहुत पहुंचूगी हाँ पर मैं तुहानू एक विश्वास दवाना है मैं अज अपने सारे स्टाफ नू बेनती की कि कोई भी आके इत्थे झगड़ा करना आउंदा है
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਰੰਗ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੰਨ ਲਵੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ MRI ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ MRI ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ MRI ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦਾ 9:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਦਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਗਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਸਭ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਖਤੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ